अपनी सेवा नियमितकरण को लेकर लगातार 15वें दिन एनआरएचएम के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत एएनएम और जीएनएम कर्मियों ने धरना जारी रखा। अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष 24 जून से ही एएनएम और जीएनएम के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को आरसीएच नामकुम का घेराव करेंगे और आगामी 10 जुलाई को डोरंडा स्थित नेपाल हाउस में स्वास्थ्य सचिव का घेराव करेंगे। बावजूद इसके अगर सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया तो 11 जुलाई को सीएम आवास का भी घेराव करेंगे। आज हमारे अनिश्चितकालीन धरने का 15वां दिन है। सरकार इसके प्रति गंभीर बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आज 15वां दिन हो गया इसी से पता चलता है, क्योंकि एक दिन अगर कोई महिला घर से बाहर होती है ना तो पूरी फैमिली में हड़कंप मच जाता है। और यहाँ सैकड़ों महिलाएं घर से रात दिन बाहर हैं और इसकी सूचना सरकार को शायद नहीं है, तभी तो सरकार हमारे मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे कि हम न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया और भी बहुत सारे मतलब अपने आवेदन से सरकार को पहले ही अवगत करा चुके हैं, तो सरकार शायद पढ़ती लिखती नहीं है या न्यूज़ नहीं देखती है या पेपर नहीं पढ़ती है, इसलिए उनको पता नहीं चल रहा है कि हम 15 दिन से यहाँ हड़ताल में बैठे हैं। अभी तक कहाँ कहाँ गुहार लगा चुके हैं? अभी अभी हम लोग सबसे पहले तो महामहिम राज्यपाल महोदया को भी आवेदन दिए हैं। राज्यपाल महोदया ने भी अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, उनको महिलाओं के लिए ही फुर्सत नहीं है जबकि वो खुद एक महिला है। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री को हड़ताल करने से पहले आवेदन दिया था कि हम लोग 24 तारीख से हड़ताल में जा रहे हैं। उन्होंने भी शायद अपने यहाँ जो आवेदन जाता है वो नहीं देखते होंगे। हमने अपने स्वास्थ्य सचिव, अपने निदेशालय, हम अपने SSP, मतलब जितने भी तंत्र हैं सबको हमने सूचना दिया था कि हम लोग अपनी अस्थाई नियुक्ति के लिए जो देर कर रही है सरकार, लेट लतीफी कर रही है, टाल मटोर कर रही है, उसके विरोध में 24 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। लेकिन सरकार इसे अभी तक गंभीरता पूर्वक नहीं ले रही है। ऐसे में आगे हमारा आंदोलन और उग्र होगा, क्योंकि हमारे निदेशक प्रमुख से 2 जुलाई को वार्ता हुई थी तो उन्होंने कहा था 5 जुलाई तक आपका आरक्षण रोस्टर में जो विसंगति है दूर कर दी जाएगी, तो आज 7 जुलाई हो गया। आज हम लोग सेकेंड हाफ में जाएंगे, देखते हैं कितना हुआ, उसके बाद कल हम लोग कार्य बहिष्कार कराएंगे RCH नामकुम का और घेराव करेंगे। और दूसरा प्रोग्राम है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी, 10 तारीख को हम लोग नेपाल हाउस हेल्थ सेक्रेटरी का घेराव करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपका अध्यादेश 2 दिनों में लागू हो जाएगा और 3998 पदों का सृजन, जिसका कि प्रोसीडिंग हो चुका है, जल्द ही सृजित कर दिया जाएगा। दोनों में से कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि आपका सारा काम मैंने कर दिया, आप भटधर्मिता में बैठी हैं। तो मैं मीडिया बंधु से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि वो पूछे एक बार जा करके हमारे हेल्थ सेक्रेटरी से कि उन्होंने मेरा कौन सा काम कर दिया, कौन सा मांग पूरा कर दिया। और तीसरा प्रोग्राम है हमारा 11 जुलाई को सीएम आवास का घेराव करेंगे हम लोग, है ना। और सीएम आवास का घेराव हम लोग इसलिए करेंगे कि ये झारखंड सरकार गूंगी बहरी अंधी है, इसको जगाना बहुत ज़रूरी है।